सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से, कुछ पाने से अगर आप खुश होते हो तो दोस्तों आपकी ये खुशी कुछ पल की ही मेहमान है। तुम्हारे करते रहने से ही कुछ होगा, अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे ना होगा। आज का पंचांग 2 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 11:57 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर शाम 5:56 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 2 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, अपने वादों का सम्मान करें। आपको इसके लिए अपने मचे तथा आनंद के समय से समझौता करना पड़ सकता है, परंतु अगर आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते तो आपको यह करना पड़ेगा। आपकी कल्पनात्मक शक्ति आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। आप मानवीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, आपकी प्रगति भी तय है। व्यवसायिक रूप से यह बेहद रोमांचक क्षण है। आपको अपनी कड़ी मेहनत और नेतृत्व के गुणों के लिए पहचान मिलेगी। मिलने वाली प्रशंसाओं का मचलनी, आपने यह सफलता खुद कमाई है। स्थिति में बदलाव क्षितिज पर हो सकता है। पदोन्नति और तनखा में वृद्धि का आनंद लें। इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे तो आपको कार्य की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया अच्छा समय ही याद आएगा। फालतू खर्च करने के स्थान पर अपना उधार चुकाएं और अपना ध्यान वित्तीय सफलताओं पर केंद्रित करें। ऐसा आप एक अजात पक्षी की तरह महसूस करेंगे। सेहत को लेकर ज्यादा देखभाल की जरूरत है। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी इंसान को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। दोस्तों के साथ शाम बेहद मजेदार और हंसी खुशी से भरपूर रहेगी। आज के दिन आप किसी कुदरती खूबसूरत से खुद को सराबोर महसूस करेंगे। करियर के नजरिए से शुरू किया सफर कारगर रहेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर ले लें, नहीं तो आप अपने लिए ही वक्त निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए आप अभी समय नहीं निकाल पाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है। यह समय अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी तथा विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहेगा। पार्टनर से प्राप्त हो रहे सरप्राइज की वजह से आपको आनंद महसूस होगा। एक दूसरे के लिए जो नकारात्मक बातें हैं उन्हें दूर करने के लिए चर्चा करें और इस चर्चा की शुरुआत आपसे हो सकती है। अगले कुछ दिनों में परिवार के लोगों के साथ मिलकर आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लाभ मिलेगा, काम से जुड़ी नई बातों को सीखने की कोशिश करें। पार्टनर के द्वारा प्राप्त हो रही कमिटमेंट से जीवन में स्थिरता महसूस होगी। बुखार और सर्दी जैसी तकलीफ बढ़ सकती है, सेहत का ध्यान रखना होगा। सावधानियां, अन्य गतिविधियों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। अपने आलस गुस्से जैसे अवगुणों पर सुधार करें। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना आपके कार्यों को सुगम बनाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की।
घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी तथा पुरानी यादें भी ताजा होगी। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रही हैं। लेकिन सावधान रहें, जिन फलों को खाने की मनाही होती है उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर ले कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी ना होने पाए। रोमांस में समस्याओं के कारण आज आप अकेले रहना चाहते हैं, सब्र रखें, यह चरण अस्थायी है और जल्दी ही आपके प्यार का गुलशन भी महकेगा। अपने आउटलुक और व्यक्तित्व को बदलें, इससे आपका साथी आपकी ओर आकर्षित होगा। आप आज परेशान और बेचैन हो सकते हैं, बस कुछ खाली समय निकालें, उसके साथ व्यतीत करें जिसके लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं। आपके थोड़े से समय और एक गुलाब के फूल से आपको वो सुख मिलेगा जिससे आप अपने सारी परेशानियां भूल जाएंगे। बात करते हैं करियर की। इस समय भगवान आप पर खास मेहरबान हैं और आपको प्रसिद्धि व रैंक में बढ़ोतरी का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने नेतृत्व में कंपनी को शीर्ष तक ले जाने में सक्षम हैं, बस खुद पर भरोसा रखें। कार्य वो करें जो धन ही नहीं बल्कि संतुष्टि भी प्रदान करता हो। कार्यालय व्यापार में आपने जो पहचान कमाई है वो आपकी भविष्य को सुरक्षित करती है और इससे वित्तीय संतुष्टि भी मिलती है। जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं आज वो कुछ खास करके अपने कार्यस्थल का नाम रोशन करेंगे। किसी छोटे प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो सकती है। जीवन के सभी क्षेत्र आज आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। आज आपका वित्तीय धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहें, आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खड़ा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ हैं। आप उनके साथ विनम्र रहें और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। व्यवसाय में किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया माहौल को खराब कर सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें। पार्टनरशिप से जुड़े बिजनेस में कुछ बदलाव संबंधित योजनाएं भी बनेगी। बात करते हैं सेहत की। जो लोग आपको अपना करीबी समझते हैं आज आप उनके लिए प्यार और सहायता का स्रोत बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत को भी नजरअंदाज ना करें। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए घर का बना खाना और यहाँ तक कि पानी भी घर का ही पिए। अपने समय का सीमांकन करें कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना समय रखना चाहते हैं। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।